उमस भरी गर्मी से दिल्ली वालों को गुरुवार को कुछ राहत जरूर मिली। दरअसल राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ फुहारे, कुछ रिमझिम वर्षा का अनुभव किया गया, ऐसी बारिशें देखी गई। ऐसे में निश्चित रूप से भीषण गर्मी का सामना कर रहे दिल्ली वासियों को राहत की सांस मिली। मौसम विभाग के अनुसार आगे भी दिल्ली में कुछ स्थानों के साथ साथ आसपास के इलाकों में मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है, अनुमान जताया गया है। इनमें बुराड़ी, कंझावला, रोहिणी, बादली, मुंडका, पश्चिमी विहार, नजफगढ़ और NCR क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के बहादुरगढ़, फरुखनगर, रेवाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली के बवाना, अलीपुर, पीतमपुरा, पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन, पटेल नगर, द्वारका, पालम, हरियाणा के लोहारू और उत्तर प्रदेश के बड़ौत, बागपत और राजस्थान के पिलौनी, झुंझुनू समेत विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रही राजधानी दिल्ली गुरुवार को कुछ निखरती नजर आई। मौसम का रुख बदला, दोपहर के बाद कुछ इलाकों में बारिश हुई। इसके चलते ही शाम का मौसम सुहाना हो गया। ऐसे में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आगे के लिए भी IMD ने G20 शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडप के आसपास 9 और 10 सितंबर को बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि भारत इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर रहा है। ऐसे में शुक्रवार और शनिवार और उसके बाद आने वाले रविवार को भी IMD ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में निश्चित रूप से ये हमारे मेहमानों को परेशान कर सकता है। बारिश G20 का मजा किरकिरा कर सकती है। अब आपको उन प्रतिबंधों के बारे में बता देते हैं जो आने वाले दिनों में लगने वाले हैं, आज से ही लागू हो गए हैं। 8, 9 और 10 सितंबर को ये प्रतिबंध पूरी तरह से NDMC क्षेत्र में लागू रहने वाले हैं। वो कौन से प्रतिबंध हैं जिनका आपको आज से 3 दिन तक पालन करना है, G20 समिट के दौरान आपको क्या करना है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। क्या खुला रहेगा, क्या बंद। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली अब 3 दिन लॉकडाउन जैसी स्थिति झेलेगी NDMC के इलाके में, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन होना है। आपको बता दें ऐसे में जो सम्मेलन है 9 से 10 सितंबर 2 दिन के लिए होना है, लेकिन मेहमानों का आज से दिल्ली आना शुरू हो गया है। इसलिए दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय, निजी दफ्तर बंद रहने वाले हैं। ऐसा केजरीवाल सरकार पहले ही प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनज़र 3 दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। राजधानी दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेज के साथ ही दिल्ली सरकार और MCD के कार्यालय भी 3 दिन यानी कि 8 से 10 सितंबर के बीच बंद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि G20 का आयोजन 9 से 10 सितंबर को होना है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, 8 सितंबर से मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। इसलिए सुरक्षा के मद्देनज़र प्रतिबंध आज से ही लागू रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पूरे इवेंट के दौरान माल वाहन, वाणिज्यिक गाड़ियां, इंटरस्टेट बसें, लोकल सिटी बसें, DTC, DI, MTS बसों को मथुरा रोड पर भैरव रोड, पुराना किला और प्रगति मैदान टनल अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।